सोहागी पुलिस ने त्योंथर SDOP उदित मिश्रा के नेतृत्व में अंधी हत्या केस का किया खुलासा। निशा आदिवासी की हत्या करने वाला निकला पुराना प्रेमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के सुहागी थाना अंतर्गत चैनपुरवा गांव में हुई अंधी हत्या का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व संदिग्ध हालत में युवती अचानक लापता हो गई। जब देर रात तक घर नहीं लौटी तो मृतका की मां ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी बीच पांचवें दिन अरहर के खेत में एक क्षत विक्षत शव मिला है। पुलिस ने लापता युवती के रूप में पहचान कर मर्ग कायम किया। इसके बाद युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई। तब गांव के ही एक प्रेमी युवक का नाम सामने आया। साथ ही घटना स्थल से मोबाइल नहीं मिला। शक की सुई गांव के युवक के प्रेमी पर गई। वह युवती से शादी करना चाहता था पर बात नहीं बनी। इधर युवती किसी दूसरे युवक से बात करने लगी पर पुराने प्रेमी का फोन नहीं रिसीव करती थी। एक दिन आक्रोशित होकर युवक उसके घर की तरफ गया। वहां खेत में युवती को देख लिया, अपनी प्रेमिका को मनाया पर नहीं मानी। तब धारदार हथियार से हत्या कर खेत में फेंक दिया। 5 दिन तक लाश पड़ी रही जिससे जानवर शव को खा गए। मृतका की मां ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी। सुहागी थाना प्रभारी निरीक्षक गोकुलानंद पांडे ने बताया कि 21 अक्टूबर को गंगा देवी आदिवासी पति स्वर्गीय सियाराम 50 वर्ष निवासी चैनपुरवा रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आई। कहा कि 20 अक्टूबर के शाम 6:30 बजे से मेरी बेटी निशा आदिवासी 20 वर्षीय घर से शौच के लिए निकली पर वापस नहीं लौटी। तब पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। 5 दिन गुजर गए पर युवती नहीं मिली। 24 अक्टूबर की सुबह मिली लाश। जांच चल रही थी कि 24 अक्टूबर की सुबह 7 बजे ग्रामीणों ने अरहर के खेत में एक क्षत विक्षत शव देखा। तुरंत पुलिस को अवगत कराया। जांच में गंगाधर सिंह का खेत निकला। कंगाल नुमा शव की शिनाख्त कर पंचनामा कार्यवाही के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग की जांच शुरू की। वहीं सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर RP शुक्ला की पड़ताल में हत्या प्रतीत हुई। तब साइबर सेल को एक्टिव किया गया। देखा कि किसी युवक से युवती अक्सर बात करती थी। SDOP ने किया खुलासा। केस की जांच त्योंथर SDOP उदित मिश्रा को दी गई। उन्होंने साइबर सेल से मिले इनपुट के बाद आरोपी निरंजन रावत पुत्र भाईलाल 20 वर्ष निवासी चैनपुरवा को चिन्हित कर शक के दायरे में लिया। थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो गोलमोल जवाब दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपी टूट गया, वो जुर्म स्वीकार किया। साथ ही घटना वाली शाम की कहानी शेयर की। बोला, हाँ करता था प्यार पर मिला दगा। आरोपी ने बताया कि वो मृतका से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था पर एक गांव के चलते प्रेमिका शादी नहीं करना चाहती थी बल्कि दूसरे लड़के से बातचीत करती थी। 20 अक्टूबर की शाम मैं खेत में बात करते पा गया, गुस्से में आकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने धारदार हथियार मृतका का मोबाइल बरामद किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।